बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो गए हैं सीएम केजरीवाल। केजरीवाल के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। तो आपके प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से मार्च की परमिशन नहीं है, ये अहम जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं। केजरीवाल के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और बीजेपी दफ्तर का कूच कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के ये नेता और कार्यकर्ता। ऐसे में आपके प्रदर्शन को लेकर बीजेपी दफ्तर के बाहर सुरक्षा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। तो अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर, और इसी के मद्देनजर ये देखिए तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है इस प्रोटेस्ट की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और तमाम बड़े नेता इस प्रोटेस्ट में शामिल है। साथ ही देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर देखा जा रहा है, राघव चड्ढा भी वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी दफ्तर के लिए कूच करती हुई और विभव कुमार की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए, इससे पहले आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कूच करने से पहले नेताओं को कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरती है। और देखिए विस्तार से तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, इस वक्त क्या तस्वीरों में देख सकते हैं आप, और बीजेपी दफ्तर के बाहर ये कहा जा रहा है कि बहुत सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है, प्रोटेस्ट कहां पहुंचा हुआ है इस वक्त? देखिए स्वाति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर हो गई है, और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल ही ये कह दिया था कि आज दोपहर 12 बजे, यानी कि आज के लिए उन्होंने ट्वीट किया था कि आज दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, लीडर, कारकुनान, जितने भी उनके नेता हैं, सभी उनके साथ एक साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे। ये घेराव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि एक एक करके हमारे नेताओं को गिरफ्तार मत कीजिए साहब, हमारे नेताओं को हम आ रहे हैं। और यही ये जो आप तस्वीरें देख रही हैं ये उसी की वानगी है। अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें एक साथ आप गिरफ्तार कर लीजिए। लगातार वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, मोदी सरकार एक एक करके सारी सेंट्रल एजेंसीज का, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, कोई भी सेंट्रल एजेंसीज हो, उसका दुरुपयोग कर रही है। मैं आपको बताऊं ये प्रोटेस्ट बीजेपी की दिशा में बढ़ रहा है, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, और आप देखिए कैमरा सहयोगी रमेश आपको दिखा रहे हैं, ये लगातार इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है, यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, और बैरिकेडिंग करके यहां पर रास्ते को पूरी तरीके से आगे बंद कर दिया गया है। और आप देखिए ये जो रास्ता है इसके एक तरफ जहां पर मेरी मौजूदगी है वहां पर आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जवानों की तैनाती की गई है, यानी कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इधर से आगे की तरफ जाना चाहते हैं, वो उन लोगों को यहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। और आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आपको यहां पर तैनात नजर आ रहे होंगे, साथ ही एहतियातन यहां पर दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी पर्सनल को भी डिप्लॉय किया गया है। और आप देखिए ये बैरिकेड है, इन बैरिकेडिंग की यहां पर इसलिए तैनाती की गई है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनको एहतियातन रोका जा सके। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम किसी भी प्रकार की आपाधापी नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार का कोई उपद्रव या बवाल नहीं करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर बिल्कुल दिल्ली पुलिस उन्हें आगे जाने, उसी संबोधन का भी मैं यहां पर जिक्र करूंगी क्योंकि आप उस संबोधन के दौरान मौजूद थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ऑपरेशन झाड़ू चलाकर आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, लेकिन स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने दी, क्या उनके साथ बदसलूकी हुई है या फिर नहीं हुई है, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल क्यों चुप नजर आ रहे हैं? हालांकि संजय सिंह ने एक्सेप्ट किया था कि बदसलूकी हुई है और इस पर कार्रवाई होगी।
स्वाति, बड़ा ही वाजिब सवाल आपने कर दिया है और देखिए इसका जवाब कम से कम अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के पास तो नहीं है। और आप देखिए यही मुश्किलात अब हो गए हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के समक्ष। और जब वो आपने देखा कि जब वो एड्रेस कर रहे थे मंच से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, उन्होंने मीडिया को पहले ही इत्तला कर दी, उन्होंने कहा साहब हमारा गला खराब है, मेरे गले में काफी तकलीफ है, तो इसलिए जो भी मुझे कहना था मैंने इस सार्वजनिक तौर पर इस मंच से कह दिया है, आप एक एक करके सिंगल सिंगल बाइट मुझसे मत लीजिएगा और मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं क्षमा चाहता हूं। यानी कि केजरीवाल ने पहले ही बता दिया कि साहब अगर आप मीडिया अगर जो है वो आगे बढ़ती है और वो बाइट के बहाने स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर सवाल पूछना चाहेगी तो उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिया, उन्होंने कहा कि मेरा गला खराब है कि आप कम से कम पूछिए। जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल के काम से डर लगता है। वो 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते, वो फ्री बिजली नहीं दे पाते, वो बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं दे पाते, वो मोहल्ला क्लिनिक में अच्छा इलाज नहीं दे पाते, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, क्रश करना चाहते हैं। क्या आगे जैसे कहा गया वहाँ पे संजय सिंह ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, पता चल गया तो आप लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे आगामी दिनों भी? देखिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी संघर्ष करती आई है, संघर्ष करती रहेगी। संघर्ष करती आई है आम आदमी पार्टी और संघर्ष करती रहेगी। मोहित, देखिए ये आतिशी कहती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पर निशाना साधती हुई, जिस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल भी कर रहे थे। आपने सही कहा, और आतिशी अभी पहली मरतबा नहीं देखी गई है। हाँ। जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है सोमवार से लगाकर शनिवार हो गया है, यानी कि पूरे 6 दिन बीत गए हैं, 144 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। आतिशी को आपने सुना, आतिशी ने पहली मरतबा 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पहला ही जब फुटेज सामने आया था तो उन्होंने स्वाति मालीवाल पर खुलकर हमला बोला था और दूसरे फुटेज में उन्होंने जबरदस्त आरोपों की बौछार कर दी, उन्होंने स्वाति मालीवाल पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि साहब ये पूरा मामला 2016 में DCW के दौरान की गई भर्तियों को लेकर है, 2015 में स्वाति, मैं आपको बताना चाहूंगा स्वाति मालीवाल को DCW का चीफ बनाया गया था, 2016 में उन्होंने भर्तियां की, नियम के हिसाब से DCW 40 ही पदों का सृजन कर सकता था, भर्तियां कर सकता था। हाँ। अधिकृत था, लेकिन 223 ये भर्तियां की गई। उसके बाद इसी 2 मई को LG ने इन सारी भर्तियों को निरस्त कर दिया था। यही वजह है कि अब LG की तरफ से जब इनको निरस्त किया गया तो कहीं ना कहीं अब आतिशी आई है, आतिशी का ये कहना है, वो ये खुल के कह रही है कि DCW की जो पूर्व चीफ रही है और मौजूदा राज्य आम आदमी पार्टी का जो देखिए, हमने एडिक्वेट अरेंजमेंट कर रखा था और जो उन्होंने ऑफिस से बाहर निकला है तो उनको हमने रोक लिया, 144 CRPC लगा हुआ है और अकॉर्डिंगली हमने उनको रोक लिया है एंड वी हैव आस्क्ड देम टू डिस्पर्स, एडिक्वेट पुलिस अरेंजमेंट्स वर इन प्लेस। देखिए तमाम पुलिस ऑफिशियल्स जिनकी तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं इसको लेकर जानकारियां दी जा रही हैं। वहीं देखिए प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें और कूच की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मोहित, कितनी देर में आम आदमी पार्टी का ये जो कूच है, ये जो तमाम नेता कार्यकर्ता हैं, कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर के बाहर, ये रास्ता जो है इसके बारे में ज़रा बताइए, कहाँ कहाँ होते हुए ये जो प्रदर्शन है ये पहुँचेगा बीजेपी दफ्तर? देखिए स्वाति, इसके लिए अब बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकलते ही 100 मीटर की दूरी पर बहुत बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए हैं और ये नॉर्मल बैरिकेड से ऊंचे बैरिकेड हैं जो हमने किसान आंदोलन के दौरान देखे थे। हाँ। तो अब आप ये समझ लीजिए कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते दिखा रहे हैं। मोहित, जिस बात का आपने जिक्र किया, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती और जिस बैरिकेड्स का जिक्र जो किया जा रहा है मोहित की तरफ से कि जिस तरह से तमाम आंदोलनों को रोकने के लिए बड़े बड़े बैरिकेड्स जो है वहां पर लगाए गए। अच्छा देखिए, महिला पैरामिलिट्री फोर्स की भी वहां पर तैनाती की गई है और वहीं ये जो कूच है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मोहित, बिल्कुल स्वाति आपने सही कहा और तस्वीरों में भी कमोबेश ऐसा ही दिख रहा है। और देखिए ये महिलाएं महज आम आदमी पार्टी, अगर देखिए कभी भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, चाहे वो दिल्ली महिला विंग हो, चाहे जब वो दिल्ली बीजेपी जब प्रदर्शन करती है तो दिल्ली महिला बीजेपी की कार्यकर्ताएं आती है। ठीक उसी तरीके से आम आदमी पार्टी की जो महिला विंग है उसकी कार्यकर्ता यहां पर पहुंची हुई है, उनके तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं और वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए, स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए, उनको आगे बढ़ने
से रोकने के लिए, उनको आगे ना जाने देने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की महिला जो विंग है, जो महिला बटालियन है, उसको यहाँ पर तैनात किया गया है, डिप्लॉयड किया गया है। और आप देखिए मेरे पीछे आपको यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात नजर आ रहे होंगे। और रमेश, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर से आपको वो दिखा दें कि यहाँ पर देखिए आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात दिख रहे हैं। ठीक उसी तरीके से बीजेपी की तरफ जाते हुए रास्ते पर महिला बटालियन को तैनात किया गया है। इसके अलावा ये तस्वीरें लगातार आप हम तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी दफ्तर से मेरे सहयोगी देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ, मैं आपका रुख करूंगी, एक बार फिर से आपको बता दें, देखिए आज इस पूरे मामले में लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरह से हमलावर, हमने सुना अरविंद केजरीवाल की तरफ से इसको लेकर बाकायदा हमला बोला गया भारतीय जनता पार्टी पर। मेरे सहयोगी देवनाथ हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़ गए हैं। देवनाथ, इस वक्त बीजेपी दफ्तर की किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए मैं इस समय बीजेपी दफ्तर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ आम आदमी पार्टी कार्यालय से थोड़ी दूर पे हूँ, जहाँ पर अभी अभी आम आदमी पार्टी ने तमाम बड़े नेताओं के साथ वहाँ बीजेपी दफ्तर जाने की कोशिश की, जिनको पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद वही जमीन पर बैठकर लोग धरना प्रदर्शन करें। इस समय जो खास बात यह है कि अब लगभग ये प्रदर्शन समाप्त सा हो गया है, क्योंकि पुलिस ने उस तरफ जाने नहीं दिया जहां ये जाना चाहते, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाना चाहते थे और वहां अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, इसके बावजूद भी वहां पर जाने नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि धारा 144 के नाते जो है, मैं आपको कहूंगा कि ये भी देखिए कि किस तरीके से अब पुलिसकर्मी चूंकि अलग अलग लोकेशन पर तैनात हैं और अलग अलग तरीके से अब सुरक्षा व्यवस्था को हटाया जा रहा है, क्योंकि लगभग आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन खत्म सा हो गया है। क्योंकि वो जो विरोध प्रदर्शन था, जो संकेत था, वो आम आदमी पार्टी ने ये कहते हुए लगभग किया कि मोदी हम सबको एक ही दिन अरेस्ट कर लें, क्योंकि बार बार अरेस्ट होकर के हम लोग थक गए हैं, तो आज अरेस्ट करें, अगर आज अरेस्ट नहीं करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी हार होगी। देखिए अब मैंने कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी बात की। संजय सिंह का कहना था कि वो विरोध प्रदर्शन ये इस तरीके का है कि अगर मोदी सरकार हमें गिरफ्तार नहीं करती है तो इनकी सबसे बड़ी हार होगी। वहीं सौरभ भारद्वाज भी कह रहे थे कि बार बार किसी न किसी बहाने मोदी सरकार लगातार हमको निशाने पर ले रही है, लगातार हमारे नेताओं को अरेस्ट कर रही है, जाहिर सी बात तक हम लोग परेशान हो गए हैं। तो इसमें यह है कि अब आज ही अरेस्ट करें और अगर ये अरेस्ट नहीं करते हैं तो इनकी सबसे बड़ी हार होगी। यानी राजनीति संकेतों के जरिए चलती है, प्रतीकों के जरिए चलती है, और यहां पर आम आदमी पार्टी ने दिखाया कि वो एक विरोध प्रदर्शन ऐसा करना चाहते हैं जिसमें वो मोदी से, यानी प्रधानमंत्री मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप हमें अरेस्ट करेंगे, क्या विरोध हम जो कर रहे हैं इसमें हम अरेस्ट करेंगे। क्योंकि देखिए ये चार पांच जो बड़े लीडरों के गिरफ्तार हैं उसके बाद लाजमी है कि इनका विरोध प्रदर्शन होता, लेकिन जिस तरीके से विभव मामले को लेकर के, स्वाति मालीवाल को लेकर के आम आदमी पार्टी हमलावर हुई है, इसका नतीजा ये रहा है कि ये जो ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है ये आज पूरी तरह बाधित रहा। बिल्कुल, देखिए और ऐसे में देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चौकस वहां पर कर दी गई है। देवनाथ, बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई।